लेट्स है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन ट्रेड स्टॉक ये कॉस्ट मेथड ही में चलता है यानी जितने में आप खरीद रहे हैं उसको बेच रहे हैं जिसमें बेचोगे जो प्राइस पे बेचोगे वही रिकॉर्ड होगी और जिस पे खरीदोगे वही रिकॉर्ड होगी अंडर दिस मेथड ऑफ एक्विशन स्टॉक इज व्यूड एज द इनिशियल इन टू पार्ट ट्रांजेक्शन इट्स रीश्यूएंस एंड द सेकेंड स्टेप इज कम्प्लीशन ऑफ द्रांजेक्शन मीन हाउ द ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू कम्प्लीट ना लेट सी यू हैव इशूड एग्जाम्पल वन थाउजेंड शेयर कॉमन शेयर ऑर्डनरी शेयर और पीज हंड्रेड ईच पार और एट हंड्रेड एंड टेन ट्राई टू अंडरस्टैंड ही आपका पार वैल्यू सौ रुपया है लेकिन आप एक सौ तो दस रुपये में बेच रहे हैं नॉर्मली अगर कंपनी बहुत अच्छी हो तो वो अपना शेयर पार की बजाय प्रीमियम पर बेच सकती है इनिशियली तो बेसिकली सारे पार पर ही बेचते हैं लेकिन अगर कंपनी पुरानी है और वो नए शेयर इशू करना चाहती है तो वो पार पर की बजाय प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं लेकिन नो वे कंपनी कैन इशू शेयर एट ए डिस्काउंट बॉन्ड कर सकते हैं आप डिस्काउंट पर शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते अच्छा आपने इशू कर दिए और उसके बाद उसमें से आपने हंड्रेड शेयर्स जो है ना मार्केट से ख़रीद लिए एक सौ बारह में आप देखें एक सौ दस में आपने इशू किए थे लेकिन जब आप मार्केट में गए ख़रीदने के लिए तो आपको एक सौ बारह रुपये देने पड़ रहे हैं सौ शेयर्स के तो उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि आपने दस शेयर्स जो थे ट्रेड स्टॉक आपने री इशू कर दिए बारह पेरी तो कॉस्ट टू कॉस्ट में भेज लिए तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा आपके इक्विटी में फिर दस से आपने ट्वेंटी uh, रीशूड एट वन थर्टी यानी आपने एक सौ बारह में ख़रीदे थे और आप एक सौ तीस में बेच रहे हैं तो आपको यहाँ एक किस्म का प्रॉफिट गेन हो रहा है और नेक्स्ट में है कि आप उसको नाइन्टी एट में बेच रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक सौ दस की बजाय सॉरी एक सौ बारह में आपने ख़रीदा था तो एक सौ नाइन्टी एट में बेच रहे हैं तो आपको फोटीन रुपीज़ का लॉस हो रहा है नौ टेन शेयर ऑफ स्टॉक्स आर री इशूड एट वन जीरो फ़ाइव और बाद में आपने री इशू किया है तो वन जीरो फ़ाइव पर री इशू किया अब देखना ये है कि कैसे इस इनकी एंट्रीज जो है बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं नंबर वन इशू किया तो देखें थाउजेंड शेयर्स हंड्रेड टेन पर कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट कुछ नहीं हुआ आगे तो ये एज़ इट इज ही कैश में चला जाएगा और इक्विटी में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में आ जाएगा लेकिन चूँकि आपने री एक्वायर किए हैं तो शेयर एक सौ बारह पर तो देखिए ट्रेरी स्टॉक्स डेबिट हो यानी आप स्टेट अवे शेयर कैपिटल डेबिट नहीं कर सकते आप ट्रेरी स्टॉक को डेबिट करेंगे और जो पेमेंट किया आपने एक सौ बारह रुपये के हिसाब से वो 11,200 थाउजेंड टू हंड्रेड क्रेडिट हो गया अब जब आप री इशू करने जा रहे हैं याद रखें आपने सौ ट्रेरी स्टॉक्स खरीदे हैं तो इसमें से आपने दस इशू किए एक सौ बारह पर तो आपके पास अभी भी नाइन्टी बच जाएंगे तो जो इशू किए आपने कैश टू सेम प्राइस पर है तो कैश डेबिट और ट्रेड स्टॉक क्रेडिट इसमें गेन और लॉस नहीं आएगा क्योंकि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट बेचा है नेक्स्ट जो आपने इशू की है वो 130 सौ तीस पर किए खरीदे 112 पर थे तो देखिए इस केस में 10 को 130 से मल्टीप्लाई किया तेरह सौ रुपये आपके पास आए और ट्रेड स्टॉक्स वो आपका 112 पर ही जाएगा कॉस्ट मेथड याद रखें तो बैलेंस जो है वो आपको प्रीमियम आ गया ट्रेड स्टॉक्स पर यह भी बैलेंस शीट में इक्विटी का पार्ट बने जैसे शेयर प्रीमियम है इसी तरह से ये प्रीमियम ऑन ट्रेड स्टॉक्स भी शेयर इक्विटी uh, का पार्ट बने फिर आपने री इश्यू किया 98 पर अब यहाँ देखें आपको पैसे कम मिल रहे हैं दस शेयर की जो कॉस्ट थी वो तो एक ही रुपए के हिसाब से थी वो एक ही क्रेडिट होगा लेकिन कैश डेबिट हो रहा है नाइन जो डिफरेंस है वो आपका ट्रेजरी स्टॉक्स में डेबिट होगा क्योंकि वहाँ पर आपके पास है ना शेयर प्रीमियम का अकाउंट तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे अच्छा फिर आपने री इशू किए ट्रेड स्टॉक की बात ही हो रही है 105 पर तो देखिए यहाँ पर कैश आपने डेबिट किया 105 के हिसाब से और क्रेडिट आपने ट्रेड स्टॉक्स को 112 से ही करना है याद रखें इसको नहीं चेंज करना अब डिफरेंस की प्रॉब्लम क्या है देख एक अस्सी रुपये आपके पास ये एक सौ अस्सी का फिगर कहाँ से आया ये देखें ज़रा पिछली स्लाइड से देखें आपके पास इसमें हंड्रेड एटी प्रीमियम पड़ा हुआ है लास्ट जो आपने एक सौ तीस में बेचा है राइट ये प्रीमियम पड़ा हुआ है अब इस प्रीमियम को देखें कैसे यूटिलाइज किया जहाँ आपको चालीस रुपये प्रीमियम रिवर्स करना पड़ा है क्योंकि आपने एक सौ पाँच में बेचा ठीक है तो डिफरेंस जो है वो चला गया फोर्टी में और इसी तरह जब आख में आपने मजीद बेचे हैं तो रिटेन अर्निंग में चला गया ट्रेडी स्टॉक्स में यानी डिफरेंस जो है ना सत्तर का वो आपने दो पोर्शन में लिया है एक जो आपने प्रीमियम को डेबिट किया और एक आपने रिटेन अर्निंग को डेबिट किया असल में बात एक ही है क्योंकि वो है तो शेयर ओडर इक्विटी का हिस्सा ही लेकिन याद रखें कि जब आप री इशू करते हैं तो उसके बाद आपको जो भी पैसे आएंगे वो प्रॉफिट बन जाएगा तो डिफरेंस देखें अब ट्रेड स्टॉक का बैलेंस क्या आपके पास जरा नोट करें मैंने यहाँ कैलकुलेशन नहीं बताई लेकिन फिक्रें बता दी हैं कि टोटल ट्रेड स्टॉक्स आपने ख़रीदे थे ग्यारह हज़ार दो सौ के इसमें से जो आपने बेचे हैं चार दफ़ा और पाँच जो बैलेंस बचा है आपके पास वो फोर फोर एट एन माइनस सो बैलेंस जो है सिक्स सेवन ट्वेंटी विल बी रिड्यूस फ्रॉम द इक्विटी यानी ये इक्विटी में से माइनस होंगे यानी ये इसको आप एसेट्स में नहीं दिखाएंगे याद रखिए हमेशा इक्विटी के पोर्शन से माइनस ही किया जाता है। थैंक यू वेरी मच